फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि व्रत, जिसे आज पूरा विश्व बड़े ही धूमधाम से मना रहा है। आज के दिन परमपिता शिव, जिन्होंने सृष्टि की रचना की, जिन्होंने हमें सद्कर्मों पर चलने की प्रेरणा दी, जिनके स्मरण मात्र से लोगों के कष्टों का निवारण हो जाता है, वहीं आज के इस पावन पर्व को सभी लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। जी हाँ, आज हम पहुंचे हैं देश की राजधानी दिल्ली में, जहाँ परम श्रद्धेय ममतामयी श्री राधे माँ जी पधार चुकी हैं और सुबह से ही राधे माँ जी के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर कोई माता जी के दर्शन के लिए लालायित दिखा। चंद पलों में ही राधे माँ जी के जयकारों से मानो सारा वातावरण राधे माँ मय हो उठा। जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय करा राधा देवी माँ जी दा, बोल साचे दरबार की जय। जोर से बोल लो, उच्ची बोल लो, राधे मैया जय माता दी, मेरी माँ बोली बर देती जोली, जय माता दी, ओ यो बेला जय माता दी। जय करे राधा शक्ति मैदा। Yeah.
सभी भक्तों ने ममतामयी श्री राधे मां जी के ऊपर अपने श्रद्धा रूपी पुष्प बरसाए। सर्वप्रथम राधे मां जी रिठाला गांव के इस शिव मंदिर में पहुंची और अपने परम पिता शिव जी की आराधना की। बहरहाल कोरोना काल की वजह से एक लंबे अरसे के बाद
आज सभी दिल्ली के भक्तों को ममतामयी श्री राधे माँ जी के दर्शन का सुनहरा अवसर प्रदान हुआ। अंततः ममतामयी श्री राधे माँ जी ने अपने समस्त भक्त जनों का मार्गदर्शन भी किया और अपने मायके जो एक पैसा भी रोइदा निकाले जरूर मंद नु दवे पेड़ करे सेवा समझ गए तो मालिक ते खुश हो तो बड़ा भोला भाला है जय भोला भाला और उन्हां नु कोई मंत्रा नाल मनाने दी जरूरत नहीं है सच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप जाकी हृदय सच है ताकि हृदय आप झूठ से कमाया हुआ पैसा भी किसी काम का नहीं और सच से कमाया हुआ थोड़ा पैसा भी बहुत काम का है। भगवान तो बरकत डालते हैं राजा बना देते हैं रंग से भी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी व्हाट आई एम सेइंग टू आवर ब्रदर मां और मुझे यही शिक्षा मिली है और ये शिक्षा मैं सबको दूंगी कि हमने गिवर बनना है। जब हम गिवर बन जाते हैं ना तो पाप कर ही नहीं पाते, प्रेम हो जाता सबसे। एक भाई जब तू आई सृष्टि की रचना की है, कण कण में प्रभु का वास है। विष्णु जी लक्ष्मी जी के रूप पालन कर रहे हैं और भगवान शंकर जो गलत करते हैं उनको दंड देते हैं, वो दंड गलत नहीं देते, उनको सीधा रास्ता देते हैं कि तुम सीधे रास्ते पे आओ। मैं पंडितों का साधुओं का बहुत सम्मान करती हूँ और भगवान कहाँ है ये सब भगवान ही तो है। उसके बाद समाज सेवा कीजिए, जो भी लोग समाज सेवा करने वाले हैं उनको पहले अपने परिवार को जरूर खुश करना है। अगर परिवार रो रहा है तो समाज को खुश करने को कोई फायदा नहीं, क्योंकि अंत सात परिवार देता है। मेरा मेन हेतु यही है। बाकी जब मंदिर में या गुरुद्वारा में कहीं भी जाएं, भगवान एक है। जो लोग दूसरे के धर्म अपने धर्म को तो मानिए ही मानिए, दूसरे धर्म को निंदा नहीं कीजिए, क्योंकि जो दूसरे धर्म को निंदा करते हैं वो डुबेटी लोग हैं। इसका मतलब उनको भगवान के साथ कोई मतलब नहीं है। राम रहीम ते मौला किए, समझ आ जाए ते रौला किए। अपने धर्म को सच्चा करो पर दूसरे को लेके लड़ाइयाँ ना करो। हमारी अपनी श्रद्धा है, उनकी अपनी श्रद्धा है। जैसे किसी ने मुंबई जाना है, दिल्ली की फ्लाइट से आए, लुधियाना की फ्लाइट से आए, अमृतसर की फ्लाइट से आए, अल्टीमेटली उसको घूमते जाना है। ऐसे ही रास्ते हैं जाने के, हमें किसी को बुरा नहीं कहना। जो सच्चा भक्त है वो कभी किसी के साथ आर्गुमेंट नहीं करेगा, वो चुपचाप अपना प्रार्थना करेगा। और
इंसान जो इंसानियत से प्यार करता है ना, वो प्रभु का सच्चा भक्त है। यही दो बातें कहूंगी, बाकी मंदिर जाओ तो सिर्फ मंदिर जाओ, उसको चुगलियों को स्थान ना बढ़ाओ, सच्चे दिल से मंदिर जाके मत्था टेक के श्रद्धा से वापस आओगे। मैं बड़े विश्वास से कह सकती हूँ कि मनोकामना पूरी होगी। और मैं ये भी भगवान के मंदिर के लिए प्रार्थना करूँगी कि ये बहुत विशाल मंदिर बने और सारी दुनिया के लोग इधर मत्था टेकने आया करें। जय माता की। ये करा कृपा प्रसाद रिपिया जी का बोल सच्चे दरबार की। अक्सर लोग राजे आए हैं।